हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप लुक, जो जयपुर की ये चुनरी साड़ी पहन के मैंने लुक क्रिएट किया है। आप इस तरह का मेकअप किसी शादी में भी कर सकते हैं और ये नवरात्रों में भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा फाउंडेशन। ये एक बीबी क्रीम है, तो हम अप्लाई कर लेंगे। इस बीबी क्रीम, जो ये बीबी क्रीम है, ये मैट नहीं है, बहुत ड्यूई लुक आपके फेस को देगा, इसलिए मैं इसे अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। इसके लिए हम अपने आईब्रो सेट कर लेंगे। मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल से हम अपनी आईब्रो सेट करेंगे। अगर आपको चुनरी की साड़ियाँ पसंद है तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। सो फाइनली यह हमारा आईब्रो सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम अपने आईब्रो को सेट कर लेंगे। अब जो बीबी क्रीम हमने फेस पे अप्लाई करी थी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, मैं उसे एक क्लीन लुक दे रही हूँ। आप भी इस तरह से अपनी आईब्रोज के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आप एक क्लीन लुक दे सकते हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। सो अब मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। जो मैंने क्रीम अप्लाई किया था आईब्रो के आसपास, मैंने उसे आईलेट पे अप्लाई कर लिया है पूरा, क्योंकि आई मेकअप के लिए वैसे भी हमें आई क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है। अब मैं अपने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे। मैंने किसी भी तरीके का इस समय कोई लूज पाउडर अभी अप्लाई नहीं किया है। अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ मेरा जैकलिन हिल पैलेट। उसमें से सबसे पहले जो हमने क्रीम अप्लाई की थी उसको सेट करने के लिए एक बनाना पाउडर के तरह जो येलो शेड है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरी आईलेट्स पे। ये पैलेट बहुत अच्छा है, इसमें शिमर शेड्स और मैट शेड्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। इसका जो लिंक है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिया हुआ है। इसमें से एक लाइट शेड लेके मैं अपने जो आईलेट्स पे है अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पे। उसके बाद एक जो डार्क शेड लेके मैं आउटर कॉर्नर्स पे बस एक डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हम हैवी आई मेकअप नहीं करेंगे, बट वो आईलैशेस की वजह से फिर भी, क्योंकि हमारा हो जाता है। अब उसी क्रीम में से मैं थोड़ा सा एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसे थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मैं जो इस पैलेट में से शिमर शेड मैं लूँगी वो अच्छे से मेरे आईलेट्स पे लग सके। अगर आपको भी शिमर शेड पसंद है तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके आईज़ पे रहेगा। अब जो इसमें से पिंक कलर का जो शिमर शेड है वो मैंने ले लिया है, मैं इसे अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी और थोड़ा इसे मैं फैला भी लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि क्रीज ना बने।
अब मेरी जो आउटर कॉर्नर्स हैं वहाँ पे मैं एक येलो शेड अप्लाई कर रही हूँ शिमर का ही, उसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। आपको और कोई कलर पसंद हो जैसे कि ग्रीन वगैरह तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा जो आई लैशेज है अप्लाई कर ली हैं। अब मेरी लोअर लैश लाइन पर भी मैंने सेम आई शेडो अप्लाई कर लिया है ताकि वो और अच्छा लुक दे, क्योंकि नवरात्रे हो या कोई शादी पार्टी हो तो आपको इस तरह की साड़ियों पे हैवी लुक आप लोग ऊपर अच्छा लगेगा, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। अब मैं अप्लाई करूँगी मेरा ब्लू हेवन का काजल। आपके पास अगर और कोई काजल है और वो आपको लगाना पसंद है तो आप कर सकते हैं। मेरे पास काजल कलेक्शन है नहीं, बिकॉज मैं काजल उतना पसंद नहीं करती हूँ लगाना, तो एक ये मैंने जस्ट 50 रुपीज़ का परचेज़ किया था इस लुक के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आई मेकअप जो है वो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, एक बड़ी बड़ी आँखें लग रही है। अब मैं अप्लाई करूँगी मेरा ब्लश जो मैंने इसमें से। सबसे पहले हम अपना कॉन्टोर करेंगे अपने फेस को, कॉन्टोर कर रहे हैं अपने फेस को। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेकर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे जो मेरा मैंने कॉन्टोर वगैरह लगाया था, कॉन्टोर पाउडर वगैरह, उसी के ऊपर मैं फैला रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। देन इसी पैलेट में से, मेकअप स्टूडियो के पैलेट में से मैं एक पीच कलर का ब्लश ले रही हूँ, जिसे मैंने एक सेम ब्रश की हेल्प से, फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लश के मैंने अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं ब्लश बहुत ज़्यादा आपके चिक्स पे हाईलाइट नहीं कर रहा है। सो अब हम अप्लाई करेंगे हमारी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ कलर्स क्वीन का रेड रिच 35 नंबर, और यहाँ पर अगर आपको इस टाइप का कलर पसंद है तो आप ले सकते हैं। बहुत डार्क रेड है ये कलर स्क्रीन के। इस लिपस्टिक में और भी शेड्स अवेलेबल है रेड के उसमें, और बहुत अफोर्डेबल रेंज है, आप ले सकते हैं जस्ट 200 रुपीज़। तो फाइनल अभी हमारा लिपस्टिक हो गया है, मैं अप्लाई करूँगी मेरा हाइलाइटर। हाइलाइटर को मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। अब हम पहन रही हूँ मेरे झुमके। सो फाइनल हमारा लुक हो गया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेकअप लुक कैसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।